स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा। हमने देखा था नाउन टॉपिक को। नाउन में हमने पांच प्रकार देखे थे और उन प्रकार के कुछ सेंटेंसेस हमने देखे थे और वहां पर उनको जस्टिफाई किया था, उनको पहचाना था और एक 15 वाक्यों की एक एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था। आज हमारा जो बिंदु है नाउन का ही एक जुड़ा हुआ भाग है कि नाउन को और क्वालिफाई करने के लिए हम देखते हैं जेंडर, जो बिंदु है उसको देखते हैं। तो जेंडर में हम देखेंगे कि जेंडर को किस प्रकार से हम पहचाने, ये कौन सा जेंडर है और टोटल अंग्रेजी में कितने जेंडर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप समझते जाइए, हम शुरू करते हैं आज की कक्षा को। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेजी में जेंडर कितने होते हैं। तो हम देखते हैं इन इंग्लिश, जो आपके अंग्रेजी विषय हैं उसमें कुल 4 जेंडर होते हैं। कुल 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से। तो हम मेनली जो देखते हैं, सबसे पहले जो आप लोगों को पता होगा, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक तो होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 होते हैं। और एक चौथा जो अंग्रेजी में अलग रहता है वो कौन सा है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला बिंदु है उसको बोलते हैं मस्क्यूलाइन। जेंडर, तो ये जो है आप हिंदी में इसे पुल्लिंग कहते हो और जो पुल्लिंग होता है उसका आपको अर्थ पता होगा। जैसे ये क्या करते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये जो नाउन वर्ड होते हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो है ये पुरुष जाति से संबंधित है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, परिभाषा ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो एग्जाम्पल में आप सबसे पहले देखेंगे कि जैसे मैन, जैसे बॉय, ठीक है, जैसे किंग, जैसे आप फादर ले लो, जैसे हस्बैंड, ठीक है, जैसे अंकल। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं जो पुरुष जाति से संबंधित हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, मस्क्यूलाइन जेंडर। दूसरा बिंदु देखिए, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इससे भी आप परिचित हो, हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो जो पुरुष जाति का बोध करवा रहे थे वो हो गए आपके मस्क्यूलाइन और ये हैं आपके फेमिनाइन। तो इसमें देखिए आप इसके भी एग्जांपल, वुमेन, गर्ल, क्वीन, फादर तो मदर, वाइफ। देखिए ये सारे जो हैं वर्ड ये नाउन हैं और नाउन में भी अगर इनका जेंडर पूछ ले तो ये फेमिनाइन जेंडर होते हैं। तो ये थे हमारे 2 जेंडर। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो रहेगा वो है कॉमन जेंडर। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, यानी ये कॉमन रहेगा, चाहे जिक्र वहाँ पर मस्क्यूलाइन का हो रहा है चाहे फेमिनाइन का हो रहा है। यहाँ इस शब्द का प्रयोग, इस नाउन का प्रयोग दोनों के लिए किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो सॉरी उभयलिंग। तो आप कॉमन जेंडर में कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम देखते हैं टीचर। अब टीचर जो वर्ड है वो सर के लिए भी यूज़ होता है और मैम के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा ऐसा कौन सा शब्द है, आप चाइल्ड देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वो लड़का है तो भी उसको चाइल्ड कह सकते हैं, अगर वो लड़की है तो भी उसको चाइल्ड कह सकते हैं। यहाँ पर मस्क्यूलाइन फेमिनाइन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे स्टूडेंट, अगर एक बॉय है तो भी उसे स्टूडेंट कहेंगे, अगर एक गर्ल है तो भी उसे स्टूडेंट कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट भी कॉमन जेंडर वर्ड है। उसके बाद देखिए आप सर्वेंट, नौकर हो या नौकरानी हो, दोनों को सर्वेंट कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, FRIEND, तो फ्रेंड जो वर्ड है वो भी इसी प्रकार का है, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, दोनों के लिए फ्रेंड वर्ड उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये जो कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, तो उनको हम कहेंगे कॉमन जेंडर। ये हैं फेमिनाइन जेंडर और ये हैं मस्कुलाइन जेंडर। अब आपके अंतिम बचता है उसको हम डिस्कस करते हैं, और अंतिम वाला कौन सा है वो देखिए, उसका नाम है न्यूटर जेंडर। क्या नाम है उसका? न्यूटर जेंडर। हमारा टॉपिक चल रहा है जेंडर, और उसमें हम फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, चौथा प्रकार जेंडर का, वो है न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। इसको आप कह सकते हो नपुसक लिंग, नपुसक लिंग, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनमें ना तो स्त्री जाति का बोध होता है ना ही पुरुष जाति का बोध होता है। भाई देखो, मस्कुलाइन जो था वो ओनली पुरुष जाति के लिए, फेमिनाइन जो था वो स्त्री जाति का बोध कराता है, कॉमन जेंडर दोनों के लिए ही प्रयोग में लिया जाता है, चाहे स्त्री जाति हो चाहे पुरुष जाति हो, दोनों के लिए इस प्रयोग में ली जाने वाली जो भी नाउन वर्ड है वो कॉमन जेंडर में आते हैं। चौथा जो है न्यूटर जेंडर, इसका प्रयोग आप कह सकते हो निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए इनका प्रयोग होगा, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका कोई जेंडर भी नहीं है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए आप कह सकते हो। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए जो प्रयोग में लिए जाने वाले नाउन वर्ड होते हैं, जो ना तो स्त्री जाति से संबंधित होते हैं ना पुरुष जाति से संबंधित होते हैं, कौन से हैं देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं पेन, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो टेबल, आप देखिए चेयर, ठीक है, आप और एक वर्ड देखिए जैसे बुक। तो ये जो कुछ वर्ड आपके सामने मैंने लिखे हैं, इनको आप देखिए, ये ना तो मस्कुलाइन में आएंगे, ना फेमिनाइन में आएंगे, ना कॉमन जेंडर में आएंगे, इनका कोई जेंडर नहीं होता है, देयर इज नो जेंडर, इनको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, हिंदी में आप बोल सकते हो नपुसक लिंग। तो ये जो चार प्रकार के जेंडर मैंने आपको डिस्कस किए, ये आपके सामने इन अंग्रेजी में जो चार प्रकार हम पढ़ते हैं वो मैंने आपको समझाए। इसकी अब कुछ रूल्स हैं, आपके प्रश्न में जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार पूछा जाता है, चेंज द जेंडर। तो चेंज द जेंडर से मतलब जो प्रश्न आएगा आपका वो इस प्रकार से आएगा, चेंज द जेंडर। अब आपने चारों जेंडर पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं वो देख लिया, मस्कुलाइन जेंडर ये आपके सामने एग्जाम्पल है, मैन बॉय किंग फादर, फेमिनाइन जेंडर वुमेन गर्ल क्वीन मदर, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, टीचर चाइल्ड स्टूडेंट सर्वेंट फ्रेंड, चौथा जो है न्यूट्रल जेंडर नपुसक लिंग निर्जीव वस्तुओं के लिए, पेन टेबल चेयर बुक, इनका कोई जेंडर नहीं होता। अब हम आगे क्या देखेंगे, चेंज द जेंडर इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कुछ वर्ड्स दे रखेंगे आपको और उन वर्ड्स का आपको कहा जाएगा इनका जेंडर बदलिए, लिंग बदलिए, अगर वो स्त्रीलिंग हो तो उसको पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, और वहाँ ध्यान रखना अगर न्यूट्रल जेंडर आ गया पेन तो पेन का जेंडर चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा, अगर कॉमन जेंडर आ गया तो उसका भी जेंडर चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज किसका होगा, अगर मस्कुलाइन में दे रखा है तो वो फेमिनाइन हो जाएगा और फेमिनाइन दे रखा है तो मस्कुलाइन हो जाएगा, ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का टॉपिक और आज की कक्षा, इससे आगे वाली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जेंडर चेंज किए जाते हैं और कुछ इसके रूल्स भी है, कुछ अलग अलग नियम भी हैं, तो नियम को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपको उसके बाद एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो आज की कक्षा आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार और देख लीजिए, और अगली कक्षा में हम आपको और एग्जाम्पल बताएंगे इसके और कुछ रूल्स भी बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में।